हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, अब 27 नवंबर को एक नोटिस आया था एनटीए की तरफ से, उसमें क्या मेंशन किया गया वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। एनटीए का देखो, ये 27 नवंबर का नोटिस है जिसमें सब्जेक्ट है अर्जेंट अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2021। देखो, इसको आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ क्या बोला गया है इसमें। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर, हम लोग यदि सेंटर की बात करें तो हमारी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आता है, लेकिन स्टेट में बात करें तो मेरा कैटेगरी ओबीसी में आता है। लाइक आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया भी होगा कि सर, मैं स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे जनरल से करना है या ओबीसी से करना है। तो इस नोटिस में एनटीए ने बस यही क्लैरिफाई किया है कि जिन बच्चों का स्टेट के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी ओबीसी है, तो वो स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी कैटेगरी ओबीसी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है, वो एनटीए ने आपका जो सबमिशन किया था नीट अप्लीकेशन फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग किया है। लेकिन जब स्टेट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपकी जो स्टेट कैटेगरी होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा। यही क्लैरिफिकेशन गया। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर, हम स्टेट में क्या फिलअप करेंगे, तो अब बिल्कुल क्लियर है कि जिनका कैटेगरी ओबीसी है वो स्टेट में ओबीसी फिलअप करें, यदि आपका सेंटर में जनरल है तो जनरल फिल करें। कुछ बच्चों का हो सकता है जनरल में ओबीसी हो लेकिन स्टेट में जनरल कैटेगरी में आते हो, तो वो अकॉर्डिंगली फिलअप कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच।